मिजोरम में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मिजोरम और बक्तावंग तलंगुनम में जियोना का गांव उनके बड़े परिवार की वजह से राज्य में एक मुख्य पर्यटक बन गया है। आपको बता दें कि जियोना 76 साल के थे। उनकी 38 पत्नियाँ और 89 बच्चे हैं। उनके घर की अगर बात करें तो चाना का परिवार 100 कमरों और 4 मंजिला वाले मकान में रहता है। पूरा परिवार आत्मनिर्भर है और अधिकांश सदस्य किसी न किसी रोजगार में व्यस्त हैं। दस्तावेजी रिकॉर्ड की बात करें तो चाना ने राज्य में कांग्रेस सरकार की गरीब समर्थक नई भू उपयोग नीति के तहत योजनाओं को बेहतर इस्तेमाल किया है। चाना के परिवार में लगभग 200 सदस्य हैं। जानकारी के अनुसार चाना के परिवार में 14 बेटों की पत्नियां और 33 पोते पोतियों समेत एक छोटा सा परपोता भी है। सबसे बड़ी यह बात है कि परिवार के सभी सदस्य प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। जियोना ने एक बार बताया था कि वह विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया होने पर गर्व महसूस करते हैं। वह अपना परिवार पूरे अनुशासन के साथ चलाते हैं। बताया गया है कि चाना के परिवार की अधिकांश महिलाएं खेतीबाड़ी करती हैं और घर का कामकाज संभालती हैं। जियोना चाना की सबसे बड़ी पत्नी पूरे परिवार का नेतृत्व करती है। वहीं परिवार के सभी सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा भी करती हैं। चाना के जाने से पूरा परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। आपको बता दें कि चाना अपने बड़े परिवार की वजह से भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कई मैगजीन व पत्र पत्रिकाओं में उनके बारे में खूब छापा जा चुका है और उनके देहांत पर भी हर जगह छापा हुआ नजर आ रहा है। जयपुर से प्रिंस परमार की रिपोर्ट।